आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही YouTube चैनल एक छोटी कोशिश में। तो मैं हूँ आप लोग साथ प्रियंका। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के इस प्रोजेक्ट में मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इस गाउन की। सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। सो एडिट करते समय भी गलती हो ही जाती है। तो मेरे चैनल पर नया आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेक श्योर घंटी को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो को मिस ना करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, फैमिली दोस्तों को भी शेयर भी करेगा। इसी तरह कुछ यूज़फुल वीडियो लाया करूँगी, साथ में ब्लॉग्स भी लाया करूँगी क्योंकि मुझे वॉच आवर पूरे करने हैं जो कि बीच बीच में छोड़ देती हूँ। सो हमारा कुछ इस तरीके का ये गाउन या फ्रॉक बोल सकते हैं और ब्लाउज पर कुछ इस तरीके का प्लेटेड डिज़ाइन बना हुआ था और साइड में छोटे छोटे बिंदी टाइप चिपकाए हुए थे और स्लिप्स पे नेट लगे हुए थे। और हमारा जो ब्लाउज है वो हल्टर नेक है और साइड में कुछ इस तरीके का अम्ब्रेला टाइप का कुछ पैटर्न दिया हुआ था पिंक कलर के। तो इसका बहुत ही खूबसूरत एक ब्लाउज और स्कर्ट बनाया जा सकता था। तो कस्टमर ने हमें यही दिया था बनाने के लिए कि आप इसे कुछ नया लुक दे दीजिए, आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए एक ब्लाउज में और एक स्कर्ट में। सो मुझे कस्टमर के अनुसार चलना था और उनका बजट भी ज़्यादा नहीं था, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खर्च करना था, मतलब ज़्यादा पैसा ही नहीं खर्च करना था, जितना कम पैसा में हो सके। सो यहाँ मैंने यही कोशिश की और इसके नेक पर पूरे फ्लावर निकल चुके थे, यानी इसे बहुत ज़्यादा यूज कर लिया गया था। फिर भी ये अच्छे कंडीशन में थी गले और इसके स्लीव्स की नेट को छोड़ के। और बैक साइड में कुछ इस तरीके का जीप अटैच था फ्रॉक में। सो यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको फ्रॉक के बारे में बताने की, ये कैसी थी और बाद में कैसे आएगी। सो मैं फाइनल लुक तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि जो मैंने कस्टमर को दे दिया था वो पिक आज तक भेजे नहीं, इसके कारण वीडियो डला ही नहीं पाया। सो सबसे पहले हम फ्रॉक को अलग अलग कर लेते हैं, स्कर्ट वाले भाग को अलग कर लेते हैं और टॉप वाले भाग को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लेंथ नाप रही थी ब्लाउज की कि ब्लाउज़ बन पाएगी कि नहीं, कैसे क्या करूं। तो यहाँ लेंथ मापने के बाद कुछ आइडिया दिमाग में आया तो सबसे पहले अलग कर रही हूँ। तो फ्रॉक के निचले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को अलग अलग करने के बाद हम अब ब्लाउज की ओर आते हैं। तो इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो गले और स्लीव्स को हम कट कट लेते हैं क्योंकि हमें इसका कोई भी यूज नहीं है। तो यहाँ हम कुछ यूज करेंगे एक्स्ट्रा नेट की फैब्रिक की जो ब्लाउज के ऊपर लगेगी। तो हमारे ब्लाउज की नेक कुछ इस पैटर्न की बनेगी, स्लीव्स हम फ्रॉक के ही कुछ पार्ट का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा नेट की फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं जो कि हम दुपट्टा में यूज़ किए थे, उसी फैब्रिक को हम नेक पर लगा दे रहे हैं। हमने यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा 2 मीटर फैब्रिक लाया था दुपट्टा बनाने के लिए, इसमें से थोड़ा सा हमने कट करके इसमें लगाया। तो हमने यहाँ कट करने से ज़्यादा अच्छा समझा कि पहले इसे अटैच कर लिया जाए और स्लिप स्टिच करने के बाद ही इसे कट कर लिया जाए, ज़्यादा आसानी होगी। और पीछे वाले चैन को हमने निकाल दिया है। सो कुछ इस तरीके का है ये पैटर्न बन रहा है ब्लाउज का। तो ब्लाउज में हमने नेट अटैच कर लिया है और नीचे वाले पार्ट पर हेमिंग की जगह हम यहाँ स्टिच कर दे रहे हैं।
ब्लाउज के बॉडी पार्ट का हमने स्टिचिंग कर लिया है। अब हम आते हैं स्लिप्स की ओर। जो स्लिप्स के फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रीन पे मैं पिक शेयर कर दे रही हूँ। तो इसका मैंने स्लिप्स बना लिया। ये बिल्कुल अम्ब्रेला स्लिप्स की तरह आ भी जाता और बिल्कुल परफेक्ट यूज हो जाता। हमने इसे अम्ब्रेला स्लिप्स का लुक दिया है ब्लाउज़ में। बारी आती है ब्लाउज में स्लिप्स अटैच करने की। मैं पूरी वीडियो तो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, थोड़े थोड़े जो क्लिप बना पा रही थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो 2 महीने पहले का शूट किया हुआ है। स्लिप्स कुछ इस तरीके से हमारे ब्लाउज में अटैच होगा। मैं स्कर्ट और ब्लाउज बनाते बनाते बिल्कुल थक चुकी हूँ। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके का स्टिच हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सच में कस्टमर के पास से इसका पिक आएगा कि नहीं आएगा। मैंने सोचा कि चलो पहले ही शेयर कर देती हूँ कि कैसा ये बनकर रेडी हुआ है। तो हमारा ब्लाउज कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है और हमने जिप की जगह पीछे हुक अटैच कर दिया है। और ये ब्लाउज का कुछ इसी तरह का हमारा लुक होता है। पिक होता तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता था, बट नहीं है। और इसमें हमने साथ में एक अलग से 2 मीटर का बटरफ्लाई नेट का फैब्रिक यूज करते हुए दुपट्टा बना लिया है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। हमारा यही दुपट्टा है।